हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई हेड गेम। इसको आईएमडीबी रेटिंग मिला है 4.0 out of 10। मूवी के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है, नाम लीला। वो जब धीरे धीरे अपने आंखें खोल रही थी, जिसका माथे पे कुछ लगा हुआ था। इस जगह में और भी लोगों को दिखाया जाता है और वो सब भी अभी अभी होश में आ रहे थे। इसका नाम लीला, ये कैट और ये नील। इसका सर में बहुत दर्द हो रहा था, वाइट भी काफी परेशान था और यह है एम। फिर नील पूछता है, मेरे सर पे क्या लगा हुआ है। फिर अचानक एक घोषणा होता है, हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे इस गेम में स्वागत है। आप सभी को इस गेम को एक रात में पूरा करनी है। इस जगह में एक इम्पोर्टेंट चाबी और दरवाजा है। आप सभी को अगर गेम जीतनी हो तो चाबी को ढूंढना पड़ेगा, फिर दरवाजा, और तभी तुम लोग आजाद हो सकोगे। लेकिन आप सभी में से विनर एक ही होगा। पीटर ये सुनने के बाद, क्या बकवास है, मैं जा रहा हूं। फिर ये दरवाजा खोलने लगते है, उसको नील भी साथ देने लगता है। तभी फिर एक अनाउंस होती है, दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सभी में से कोई एक बचेगा, बाकी सबका डेथ हो जाएगा। साथ में हमने आप सभी का माथे पे कैमरा लगाया है, किसी ने इसको निकालने की कोशिश की तो उसको सौंप दूंगा। यह सुनने के बाद पीटर अपने माथे में से एक कैमरा निकाल देता है, जिससे उसका चेहरा गलने लगता है। यह देखकर सभी डर जाता है। इसके बाद फिर एक अनाउंस होता है, एक बात और है, सभी कैमरा में तेजाब है, इसलिए इसको निकालने की कोशिश मत करना। साथ में 12 घंटे बीतते ही सभी कैमरा फट जाएगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चाबी खोजकर दरवाजा ढूंढो। आप सभी में से एक विनर होगा, जो उसका कैमरा हम निकाल देंगे। चलिए अब गेम को शुरू करते हैं। इसके बाद सभी के नजर जमीन पर पड़े निशान पे पड़ते हैं और सभी उसके तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सभी लोगों को मैक देख रहा था। फिर मैक कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस गेम पर बाजी लगाना है। उधर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब सभी सामने एक बक्स पड़ा था, जिसे नीना धीरे धीरे खोलती है। बक्स अंदर हथियार होता है, ये देखकर सभी डर जाता है। फिर वो कहता है, ये देखो नया सुराग, हमें इसके पीछे पीछे ही चलना होगा। इसके बाद धीरे धीरे तीनों आगे बढ़ रहे थे। फिर आगे जाकर नील के हाथ में एक बैट पड़ जाता है। उधर नील बहुत सारे चाबियां देखकर हैरान थे। वहां एक बाल्टी में भी बहुत सारे चाबियां थे, जिन्हें देखने के बाद बेन कहता है, ये जरूर दरवाजे के चाबियां होगी। इसके बाद वो चाबियां उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे सही चाबी नहीं मिलती। फिर नील अचानक कुछ सोचने के बाद कहता है, ये गेम वाले हमें एक ही जगह पर रखना चाहते हैं, ताकि हम आपस में ज्यादा लड़े। इसके बाद नील गुस्से से बाल्टिन को मारकर आगे बढ़ता है, जबकि पीछे बेन के हाथ में एक हथियार पड़ चुका था। वहां नील और उसके साथ ही चाबी ढूंढ रहे थे। नील कहता है, उन चूहों को ढूंढो, कहीं चाबी उनके पास तो नहीं। तभी जमीन पर गिरी बाल देखकर लीला कहती है, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। अब एक तरफ कुछ लोग आजाद होना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी आजादी से बाजी लगा रहे थे। ये हमेशा बड़े लोग छोटे लोगों को जानवर समझते हैं और अपना मन बहलाने के लिए उनकी जिंदगी से खेलते हैं। अब कैट की नजर नीचे गिरी टर्च पर पड़ती है। इसके बाद लीला देखती है कि जमीन पर फिर कुछ निशान पड़े थे और वो कहता है, ये निशान हमें जरूर चाबी तक ले जाएंगे, जिसके बाद हम आजाद हो जाएंगे। फिर आखिरी निशान को देखकर फिर ऊपर देखकर कहती है, वो रही चाबी, जरा सा लीला ने चाबी ढूंढ ली थी। जिसके बाद वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है और चाबी पाकर अपने साथी के साथ आजाद होना चाहते थे। फिर चाबी उतार कर कैट की तरफ फेंकती है, लेकिन नील आकर उसके मारने की कोशिश करने लगता है। कैट जल्दी से चाबी उठाकर भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद लीला उसके पीछे भागती है और कहती है, कैट जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। लेकिन लीला कैट को आसानी से नहीं छोड़ना चाहते थे और वो भी तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। अब चाबी कैट के पास थी, जिसके एक तरफ था नीला और दूसरी तरफ था लीला। दोनों के बीच में खड़ी कैट जैसे नीचे देखते है तो वो डर कर नीचे गिर जाती है। उसे गिरता देख कर नीना भी खुद को संभाल नहीं पाती है। तभी नीला कहता है, बेन जल्दी जल्दी चाबी उठाओ। अब नीना भी हवा में झूल रहे थे, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ पिछलकर नीचे गिर जाती है। नीक भी एक जगह में छुप गया था, जिसके पीछे नील लगा हुआ था। वहां पे नीना खसकर बेहोश था, लेकिन अफसोस कैट की मौत हो चुकी थी। अब बेन वहां पे आकर कैट के हाथ से चाबी ले लेता है। वो अपने साथी से जाकर कहता है कि कैट के हाथ पे चाबी नहीं था, लेकिन लीला के बेन की बातों पर विश्वास नहीं था। फिर लीला के कहने पर नील उसे पकड़ लेता है और वो उसकी तलाशी लेने लगती है। फिर बेन के पास हथियार मिलता है, फिर वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन नील उसके पीछे लग जाता है, जो उससे हर हालत में चाबी चाहिए था। कुछ देर बाद नीना के अचानक से होश आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर बाहर के लोग खुश होने लगते हैं।
अचानक वो पीछे मुड़कर कहती है, तुम कहाँ खो गई थी एम, चलो साथ में मिलकर निक को ढूंढते हैं। फिर दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं और जमीन पे गिरी चाबी को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी बिन वहां आकर कहता है, तुम दोनों मेरे जाल में फंस चुकी हो, तुम दोनों इस वक्त तेल पर खड़ी हो, अगर तुम अपने जगह से हिली तो तुम्हें आग लगा दूंगा। अचानक से पीछे से कोई हमला करता है और वो करने वाला था निक, जिसने उसे मार दिया था। फिर लीला कहता है कि वो रहा आजाद होने वाला दरवाजा। अब सभी लोग आगे की योजना पर काम करने लगता है। नीना निक को ढूंढकर काफी खुश थी। लीला और नील दरवाजे पे बैठकर दूसरों का आने का इंतजार कर रहे थे। बाहर के लोग योजना बना रहे थे कि अब किस पर बाजी लगाए। अब एम कहती है, उठो चलो अब आगे बढ़े, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद वो कहती है, शायद ये दरवाजा लग रहा है, इन लोगों को भी चाबी चाहिए, ये लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। अब तीनों बैठकर आगे की योजना बनाने लगते हैं। नीना कहती है, उन लोगों को लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, इसीलिए एम के साथ मिलकर कपड़े बदलकर उसे चकमा दूंगी। थोड़ी देर बाद नील को चाबी देकर उसके ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो लड़की नीना थी जो एम को चाबी देकर भागती है। अब एम को देखकर लीला कहती है, मुझे तो लगता था कि तुम मर चुकी हो नीना। तभी एम बार कर कहती है, मैं नीना नहीं एम हूँ, मैं तुम लोगों को कारण ही बहुत देर से छुपी थी। अब लीला उसके लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एम उस पर वार करने से जरा भी रहम नहीं करती है। उधर नीना एक जगह पर छुप गई थी जिसके पीछे नील लगा हुआ था। तभी नीना उस पर तेल फेंक कर कहती है, निक आग लगाओ, लेकिन तभी ही नील जल्दी से निक पर वार कर देता है। अब निक को जख्मी देखकर नीना पूरी तरह से डर गई थी। नील डर हुई नीना की तरफ बढ़ रहा था और तभी निक आग लगा देता है, जिसके बाद नील पर आग लग जाती है। फिर नील आग से जलकर मर जाता है। अब नीला निक के पास आकर कहता है, चलो जल्दी उठो, हमें इस गेम को जैसे भी खत्म करना है। उधर एम ने नीना को दबोच रखा था। फिर नीना किसी तरह हथियार उठाकर सीधा एम के सर पर वार कर देती है, जिसके बाद एम मर जाती है। नीना जल्दी से एम के पॉकेट से चाबी निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। अब सच दरवाजा नहीं खुलता। तभी नीना वहां आ जाता है, जिसके पास नील का हथियार था। अब नीना के हाथ पे हथियार देखकर लीला भी हथियार उठाना चाहती है। फिर तभी ही नीना एक ही बार में उसके गला काट देती है। अब कुछ समय ही बचा था, जिसे देखकर निक कहता है, ये दरवाजा तभी खुलेगा जो हम दोनों में से कोई एक बचेगा, तुम्हें हमें मारना ही होगा, तभी तुम बाहर निकल सकती हो। लेकिन नीना किसी हालत में उसे नहीं मारना चाहती। समय भी तेजी से निकल रहा था, तभी अचानक से दरवाजा खुलता है, जिसे देखकर नीना कहते है, हम बच गए निक, लेकिन निक को खुद को मार डाला था ताकि नीना बच सके। फिर नीना धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल आती है। तभी मैक पास आकर कहता है, तुम ठीक हो, सब खत्म हो चुका, ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद नीना एक कमरे में आराम कर रही थी। तभी मैक वहां आकर कहता है, हम दोनों गहरे दोस्त थे, तुम्हारे दास किसी चोट से चली गई थी, तुम भी हमारे साथ काम करते थे, तुम गेम में हारने वालों को सजा देती थी और मैं गेम खेलने पर नजर रखता था। यह सब सुनकर नीना सोच में पड़ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद नीना को सब कुछ याद आ गया था और वो हैरान थे कि मैक और बाकी उसके दोस्तों गेम में उसको क्यों डाला। वो तो उन पर पूरा यकीन करते थे, लेकिन इन लोगों ने उसका फायदा उठाया। अबीना भी उसको बदला लेना चाहते थे, फिर वो इसकी तैयारी भी करने लगते हैं। अबीना ने फैसला कर चुका था कि वो भी पागल धोखेबाज फ्रेंड से बदला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, धोखेबाज फ्रेंड जिसने मैक और इना के बाकी दोस्त भी शामिल थे। फिर मूवी के लास्ट में इस पागल फ्रेंड को इस गेम में फेंक देती है, जो बेकसूर लोगों को अपने दिल बहलाने के लिए मौत के मुंह में डाल देती थी। आखिर में दोस्तों गंदी आदतें और ज्यादा पैसे इंसान को शैतान बना देते हैं। और इसी के साथ ही मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।